1000 साल से भी ज्यादा पहले राजकुमारी जिंगजुई ने अपने लोगों पर खौफ बनाए रखने के लिए एक बहुत ही क्रूर सजा बनाई। जो भी राजकुमारी के खिलाफ गया या उस तक पहुंचने की कोशिश की, उसके कंधे पर निशान बनाकर उसे श्राप दे दिया जाएगा, जिसके बाद अंत में वो तड़प तड़प कर मरेगा। और इतना ही नहीं, इससे क्रूर ये था कि वो श्राप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी जाएगा। इसलिए आने वाले 1000 सालों तक जिसे भी राजकुमारी के द्वारा श्राप दिया गया, वो बस दो ही चीजें ढूंढता रहा, ड्रैगन बोन सेलेशियल टोम और मूव चेन ऑर्ब। जानकारों के मुताबिक जब ये दोनों चीजें एक दूसरे में मिलाई जाती हैं, तो श्राप खत्म हो जाता है। ड्रैगन बोन सेलेशियल टोम का दूसरा हिस्सा ये बताता है कि मूव चेन ऑर्ब को कैसे ढूंढना है। स्वर्ग के खजाने में दक्षिण में रंगीन बादलों की ओर एक पहाड़ी जहां ड्रैगन्स छुपते हैं, एक चट्टान जहां सांप रेंगते हैं, एक छुपी हुई जगह के लिए रास्ता, पानी की गुफा वाला मकबरा। स्वर्ग के खजाने में रंगीन बादलों में, यानी कि यूनान। पहाड़ी जहां ड्रैगन्स छुपते हैं, चट्टान जहां सांप रेंगते हैं, ये कोई खास इशारा है? एक ऐसा बसंत जहां सारी जिंदगियां लौटती हैं। यूनान जाने से पहले इन सभी बातों को पक्का कर लेना बेहतर होगा। गोल्ड टूथ और फैटी कहां है? आ जाएंगे, वो कोई जरूरी काम निपटा रहे हैं। नहीं, हमें देखना है। शांत हो जाओ। नहीं नहीं, हमें देखना है। शांत हो जाओ। देखना है। हमारे पास ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टोम है। बिल्कुल। अभी बस बात ये है कि हम आज आपको वो हम नहीं दिखा सकते। तो क्यों नहीं दिखा सकते? मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सही कहा। हराम खोरो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे? अगर तुम्हारे पास है तो हमें दिखाओ। अपनी जबान संभाल कर बात करो। अच्छा, भाड़ में जाओ। मारो इनको। रुक जाओ, मिस्टर जाओ आ रहे हैं। कौन? मिस्टर जाओ? ये अचानक कैसे आ गए? नमस्ते मिस्टर जो। नमस्ते मिस्टर जो। डैड, फैटी। हाँ। गोल्ड टूथ, हाँ, इनको अपनी पीठ दिखाओ। ये निशान घोस्टेई श्राप कहलाता है। ये एक कैंसर जैसा है। ये जिसे भी मिलता है वो 40 से ज्यादा नहीं जीता। वो बस कुछ ही जवान लोग हैं जिनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक दोस्त को इस श्राप से बचाने की खातिर उन्होंने अपना साहस जुटाया और ड्रैगन रिज गए। जब वो वहां पहुंचे तो उनका सामना मकड़ियों से हुआ और लाल आंखों वाले भेड़ियों से। खत्म कर दो या मार। इन दोनों को मिलाकर हू बाई भी उनके साथ ही था और प्रोफेसर शिरलेओंग और मेरी बेटी लिंगलोंग। सभी बड़ी मुश्किल से बचे। तो अब तुम क्या समझते हो, ड्रैगन बोन कोलेस्ट्रियल टोम बेचने की चीज नहीं है, ये जिंदगियां बचाने के लिए है। कुल मिलाकर 8 वाक्य हैं और मैं बस 5 ही ट्रांसलेट कर पाया हूं। आखिरी के 3 वाक्य किसी मास्टर के द्वारा ही हल होंगे।
आपके अलावा मुझे नहीं लगता ये कोई और कर पाएगा। शायद कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। श्योरली। मेरे पास अच्छी खबर है, मिस्टर जो को कोई मिल गया है। उसका नाम है चेन ल्यूलू, सभी उसे ब्लाइंड चेन बुलाते हैं। 30 साल पहले वो लोगों के ग्रुप को यूनान के शियानवांग मकबरे तक ले गया था, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन वहां से केवल ब्लाइंड चेन ही वापस आया और उसकी दोनों आंखें अंधी थी और पूरी तरह पागल। उसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। ओ बेबी, कितने क्यूट हो, मम्मी तुमसे प्यार करती है। खेलो मत। वो रहा चेन ल्यूलू। तुम आ गए। क्या वो सच में अंधा है? जी बिल्कुल। हेलो मास्टर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हम मिस्टर जो के मित्र हैं। हम यहाँ आपसे इसलिए मिलने आए हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हेलो यंग लेडी। तुम्हारी हार्ट बीट स्मूथ है, तुम काफी सुंदर और हुनरबाज हो, और तुमने बांशन की खुशबू लगाई है। कैसे हो यंग मैन? क्या बात है, धरती और स्वर्ग से जुड़े हुए लगते हो। मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी पसंद आई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने मशहूर मोजीन की खुशबू लगाई हुई है। आपने सही कहा। माफ कीजिए, आप दोनों बाहर चले जाएं। मैं जरा इस हसीना से बात करना चाहता हूं। यंग लेडी, तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? दक्षिण में पहाड़ी जहां ड्रैगन छुपते हैं का क्या मतलब है? तो तुम ये जानती हो छिपी जगह का रास्ता क्या है? कोई बॉयफ्रेंड है, जो लड़का यहाँ आया था बहुत अच्छा है। तुम दोनों ऐसे हो जैसे दो जस्मे एक जान, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से तुमने अभी तक किसी से प्यार किया ही नहीं है। बड़ी अजीब बात है। मास्टर प्लीज मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं ध्यान दे रहा हूँ। बसंत जहाँ जिंदगियां लौटती है, मतलब वो लड़का तुम्हारे खून को लावे में बदल सकता है, लावे में। उसके बाद तुम्हें हवा में तैरने जैसा महसूस होगा। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। वो एहसास तुम्हारे बदन के एक एक कोने में फैल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि मुंह चैन ऑफ को कैसे ढूंढना है। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकती हो।
क्योंकि तुम उन पहाड़ियों को पार नहीं कर पाओगी। कौन सी पहाड़ियां? तुम बस इंसान हो, इंसान पहाड़ों को बस देखते हैं, लेकिन पहाड़ भी हमारी तरह हैं, वे जीवित हैं। इंसानी जिंदगी 80 साल, लेकिन पहाड़ लाखों साल। एक रात की नींद में उन्हें 2000 साल लगते हैं, 800 साल तो करवटें बदलने में। तो हमारे जैसे नॉर्मल लोग इस समय अंतराल को कैसे देख सकते हैं? लेकिन किसी भी हाल में मूचेन ऑर्ब को ढूंढना है। ठीक है ठीक है, मैं थक चुका हूं, मुझे आराम चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। बताइए। उस लड़के से तुम्हें एक बार प्यार जरूर करना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस यही कहना चाहता था मैं तुम्हें। यंग लेडी, जब लावा पंप करेगा तुम्हारी तमन्ना जागेगी, तब तुम्हें मेरी बात का मतलब पता चलेगा। तुम भी एक बार बड़ी बहादुरी से मूचेन ऑर्ब को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब तुम एक मेंटल हॉस्पिटल में कायरों की तरह छुपे हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है और तुम होपलेस हो। कोई बात नहीं, तुम ऑर्ब से डरते हो, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे, चाहे हम मर जाए या अंधे हो जाए। क्या तुम सच में मेरी आंखें देखना चाहती हो? देखो, दोबारा मत देखना इन आंखों को, दोबारा कभी मत देखना इन आंखों को। हॉट मत लगाना। हिडन ड्रैगन माउंटेन का रास्ता यहां से 10 किलोमीटर दूर है। लिंगलोंग, हमारी एक फोटो लो। ओके, मेरी तरफ देखो। 1, 2, 3। सभी ठीक है? बाल बाल बचे।
सिर्फ आधे मीटर दूर। ये यूनान का टोटका चोंगसू है, इससे इंसान और जानवरों की लाशें हैं, कीड़ों को खिलाते हैं। कितना डिस्गस्टिंग है ये। यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, हम जरूर शियानवांग मकबरे के करीब होंगे। चायुन। है क्या ये? मैंने आर्मी में कुछ साल यूनान में बिताए थे और तभी मैं चायुन से मिला। तब तुम बड़े छोटे थे। भाई ये लो चाय। हाँ शुक्रिया। हाँ। ये लीजिए, चाय लीजिए। शुक्रिया। ये मैंने खुद उगाई है, इसे टेस्ट कीजिए। हाँ ये लो चाय। थैंक यू। आप लोग पीजिए, मैं आती हूँ। चायुन, हिडन ड्रैगन माउंटेन के लिए क्या कोई नदी वगैरह है? वहां जाने का एक ही छुपा रास्ता है जो काफी समय से वीरान पड़ा है। क्या तुम उस रास्ते के बारे में जानती हो? कॉन्क्यू तुम्हें वहां ले जा सकती है, लेकिन वो हिडन ड्रैगन माउंटेन बहुत खतरनाक है। तुम सभी जरा सावधान रहना। ठीक है। बाय अंकल। आपने झूठ कहा था, आप इतने दिनों बाद में आए। कॉन्क्यू ऐसा बर्ताव मत करो। कल तुम्हें इनका गाइड बनना है और तुम वहां कहीं खो मत जाना। कभी नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, यह कॉन्क्यू चायुन की बेटी। जब मैं यहाँ आया था तो हमने जो पौधा लगाया था ना, वो बड़ा हो गया है। चलो मैं दिखाती हूँ, आओ। हमने जो छोटा पेड़ लगाया था वो बड़ा हो गया है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चुप हो जा। कौन है? मैं हूँ, बाय। क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए मच्छर भगाने वाला लाया हूँ, यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा है, इसे लगा लेना। थैंक यू। अच्छा सुनो। सर जरा बाहर आकर देखो तो। अरे संभाल कर, ये एक फायरफ्लाई है, इसमें आग की लपटे हैं। जो भी इसे छूता है, चाहे इंसान हो या जानवर, ये उनके छूने से तुरंत मर जाता है। देखो। ये कैसे किया? ये ना फायरफ्लाईज का किंग है, यहाँ जितने भी फायरफ्लाईज हैं उनका लीडर है। चाहे जब भी, जैसे ही इनको अपने किंग की स्मेल आती है, ये तुरंत उसकी ओर भागे चले आते हैं। फैटी देखो ना, इनकी आंखें नहीं होती, ये बस स्मेल पहचानते हैं। जब बॉटल बंद होती है तो इन्हें पता नहीं चलता कि इनका किंग कहाँ है।
शर्ली। अगर कभी इनका किंग जल गया तो बाकी सब फायरफ्लाइज भी इसके पास आकर जल जाएंगे। ये कुत्तों से भी ज्यादा वफादार होते हैं। ये लो। वो। लिंगलो, भागो। थैंक यू। मैं भी आ रहा हूँ। फैटी, जल्दी आओ। आराम से। मेरे लिए रुको लिंगा। फैटी, यहाँ से चलो। अरे आराम से। ये कितना सुंदर है ना। शेली देखो। हाँ दो मुझे। ट्राई करो ना। अरे मेरे लिए रुको, मैं भी आती हूँ। फैटी, ओए फैटी, मुझे भी दिखा, देना मुझे। ये ले। गजब हो गया, क्या कमाल का ये। अरे कहाँ ले जा रहा है। स्नेक कॉइल माउंटेन में हजारों फुट लंबा देवता, राजा के ताज का रक्षक, शैतानों को भगाने के लिए उसका प्यार पहाड़ पर आता। वो अपने प्यार का नदी के किनारे तक साथ देता है। वो वहां से चला जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। दोबारा मिलना भी मुश्किल है। वो अपने प्यार के लिए जूते बनाना चाहता है ताकि वो हजारों मील बिना रुके चल सके। बारिश की बूंदें गुनगुनी हैं, चांद की रोशनी ठंडी है, लेकिन उसे अब कभी नहीं दिखेगी अपने प्यार की व्हाइट शर्ट। जिस पहाड़ी पर सांप रेंगते हैं वहां वो इंतजार कर रहा है। नदी का पानी उफान मार रहा है जैसे सालों की कसर हो। अब हम उस तरफ जाएंगे।
लगाकर। ये बैम्बू रॉक्स यहाँ कई सालों से पड़ी हैं। पता नहीं ये पानी में तैरेंगी भी या नहीं। कोई बात नहीं, बस कसने की जरूरत है। बाय अंकल, आप अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करना, जल्दी घर जाओ। याद रखना, रात को घाटी में जहरीली गैस होती है। रात गुजारने के लिए ऊंची से ऊंची जगह ढूंढनी होगी। सुना है घाटी में एक आइलैंड है जो हवा में ऊंचा तैरता है। अगर वो मिल जाए तो रात गुजारने के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी। समझ गई, तुम अपनी माँ से भी ज्यादा बोलती हो। मुझे होटल छोड़ने का बहुत दुख हो रहा है। फायरफ्लाइज के साथ कितना मजा आ रहा था। हाँ तो ये लो। मुझे यकीन नहीं होता है तुम इसे चुरा लाए। ये मैंने चुराया नहीं है, ये बस कुछ दिनों के लिए लिया है। जब हम वापस जाएंगे तो मैं उसे लौटा दूंगा। और वैसे भी मैं इसे तुम्हें खुश करने के लिए लाया था। तो फिर मुझे दो। तो मुझे दो। सुनो, इसे मैं पकड़ता हूँ, तुम्हें जब चाहिए होगा तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। अरे क्या ये चमकने वाले पत्थर हैं? ये तो बेशकीमती होंगे। ये पत्थर नहीं है, लाइट मॉस है, एक तरह की फ्लोरेसेंट छोटी छिपकली जो नदी के नीचे रहती है। प्रोफेसर, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें पता नहीं हम कहां जा रहे हैं। अभी बस सीधे चलते रहो। अरे देखो मछली है। वाह, हे, हाँ, जरा बच के। ये ब्लड जैसे दांत वाली वाइपर फिश है, इंसानों को खाने वाली। अगर एक बार खून की गंध लग गई तो बहुत वायलेंट है। सब लोग सावधान रहो। पहले तुम सावधान रहो। झुको। लिंगो, फैटी, 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 जल्दी आओ, जल्दी, जल्दी,
ये तो और भी बहुत सारे हैं। हम ये कहां पहुंच गए हैं? डरो मत लिंगलोंग, संभल कर। क्या वो तीनों ठीक होंगे? हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। मेरे ख्याल से वो ठीक होंगे। मुझे लगता है वो कामदार होंगे जिन्होंने शियान वांग मकबरा बनाया। उन्होंने यहां से निकलने के लिए चेन यूज की होगी, लेकिन शियान वांग के कहर से बचे नहीं होंगे। अरे, इस पे तो कुछ लिखा हुआ है।
ऐसा लगता है जैसे शियान वांग राजकुमारी जिंगुई का शागिर्द था। कामदारों ने उससे अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उन्हें यहां भेज दिया गया। यह काम नहीं कर रहा। सिग्नल देने के लिए तैयार रहना। अगर वो गुफा से निकल चुके होंगे तो उन्हें वो नजर आ जाएगा। भाइये, Ah!
भाई। प्रोफेसर आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। क्या ये एक छिपकली थी? मैंने पहले कभी नहीं देखी, पर इतना जानता हूँ कि उसकी सुनने की शक्ति तेज है, लेकिन ये 3 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देख सकता। भाई मैं बहुत डर गया था, तुम कहाँ चले गए थे? क्या है? भागो। Linglong, I'm sorry. Bhago! की आवाज से डर रहे हैं, मेरे साथ आओ। भाई वहां देखो, हवा में तैरता हुआ आइलैंड सच में है। चलो चलो। कैसे जाएं? इनसे बचने के लिए बिजली का फायदा उठाएंगे। प्रोफेसर बताओ कैसे करें? साउंड की एवरेज स्पीड 340 मीटर पर सेकंड होती है। बादलों की ऊंचाई और उनकी अनुमानित दूरी और हवा की उदारता के आधार पर बिजली चमकने और बादल गरजने में 3 से 7 सेकंड का फासला होगा, और बादलों का गरजना लगभग 5 से 12 सेकंड तक रहेगा। आप इतना सब क्यों बता रहे हैं प्रोफेसर? ये हमारी जान पर बनाई है, क्या आप सटीक नहीं बता सकते? अनुमान लगाकर क्या फायदा होगा? ठीक है अभी ठंडा रख जरा। सूरज ढलने में कितना वक्त है? 40 मिनट। हमारे पास वक्त कम है, 40 मिनट बाद घाटी में जहरीली गैस भर जाएगी। हमारे पास यही आखिरी मौका है। ये छिपकलियां सिर्फ 3 मीटर तक ही देख सकती हैं। अगर हम लोग शांत रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। बिजली चमकते ही तैयार हो जाना और गरजते ही भागना। आवाज बंद होने से पहले हमें पार जाना होगा। याद रखना, हमें छिपकलियों और जहरीली गैस से बचना है। सब समझ गए? Ah!
शाली, अब तुम्हारी बारी। शाली, संभल कर। जल्दी! वाओ, कितना सुंदर है ना। सच में ये आइलैंड कमाल का है। ऐसा कैसे? घाटी में जो मैग्नेटिक चट्टाने हैं वो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, और इस पहाड़ में भी बहुत सारा मैग्नेट है इसलिए ये हवा में है। अच्छा, ये तो अनोखा है। सनसेट होने पे यहाँ का टेम्परेचर गिरता है, जिसकी वजह से बादलों का पानी बरसने लगता है, तब जाकर ये आइलैंड दिखता है। दोस्तों, इसी आइलैंड के बारे में कौन क्यों ने बताया था, यहां एक ही दिन में चारों सीजन हो जाते हैं। सुबह के वक्त बसंत की हवा बहती है, दिन के वक्त गर्मी हो जाती है, और शाम को पतझड़ की हवा, और आधी रात को यह जमने लग जाता है। हाँ? हम अपने हनीमून के लिए यही आएंगे। कुछ भी।
上刀山下火海，来吧艰难险阻，挡不住哥们儿的豪迈，豪迈，来吧妖魔鬼怪，我当你是下酒菜。一声不离开我的朋友，老了我们一起溜溜狗。一声不离开我的朋友，几辈子也要牵着手。ए, इधर उठ उठ उठ, वो देख। भाई आज का दिन गजब था, चलो चलकर तैरते हैं। बहुत लंबा दिन था। तुम सच में तैरना चाहते हो या सिर्फ उन्हें ताड़ना है? अरे क्या भाई, तुम भी तो रहने दो, तुम बताओ। हाँ, चलो हम चलते हैं। प्रोफेसर आप चलेंगे क्या? ये जगह कमाल की है। अगर मैं भी लंबी उम्र जी सकता तो और भी बेहतर होता। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम देख ही रहे हो, फैटी लिंगलोंग से सच्चा प्यार करता है और लिंगलोंग भी फैटी को बहुत चाहती है, और तुम्हारे और शर्ली के बीच भी सब अच्छा ही है। और सच तो यह है कि तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव है। आप कहना क्या चाहते हैं? बात यह है कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और ऐसा क्यों? हर कदम पर खतरा ही खतरा है, हम किसी भी पल मर सकते हैं। मेरे और गोल्टुज जैसे उम्र वाले लोगों को परवाह नहीं, लेकिन तुम लोग जवान हो, तुम लोगों को अपनी लाइफ जीनी है। हम ऐसा करेंगे, इसीलिए तो मैं लंबा जीना चाहता हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे हक की जिंदगी हम वापस पा सकें। लेकिन यह बस एक ख्वाहिशों भरी सोच है। हां तो यही सही, या तो कोई चांस ना हो या फिर 100% हो। भाई हाँ बस आ रहा हूं। जल्दी आइए, आ जाओ। चीयर्स करो प्रोफेसर, मुझे यकीन है कि कल हमारी किस्मत हमारे साथ होगी। उम्मीद करता हूं। Thank you.
कि बहुत ठंडा है। हाँ, आधी रात के बाद यहाँ ठंड बढ़ जाएगी। चलो बाहर चलते हैं। कितना सुंदर है। फूलों का सागर ये कई किलोमीटर तक जाता है। हम नीचे कैसे जाएंगे? उसकी फिक्र मत करो। अरे ये कौन से फ्लावर्स हैं? फैटी देखो, ये कितने चमकदार हैं। इन्हें छूना मत। क्यों? ये स्कल फ्लावर्स हैं। जब ये खिलते हैं तो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो अपना रंग छोड़ देते हैं। मिस्टर लू, मिस्टर जो, मैं किसी से मिलने जा रहा हूं। ये हुओ क्लैम का अमर केकड़ा है। ये कभी नहीं मरता, दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम इसकी बॉडी से अलग है। कितनी भी चोट लगे इसे झील का पानी हील कर देता है। झील में उतरते ही ये तुरंत हील हो जाता है। तो अब क्या करें? मुझे सोचने दो। सब फैल जाओ और चौकन्ने रहना। चलो कमजोरी इसका पेट है, उस पर वार करो। गोल्टुत, मैं करता हूं।
फैटी, फैटी। भागो। लिंगनॉन, क्या तुम ठीक हो? लिंगनॉन, लिंगनॉन। मैं ठीक हूँ, जाओ उनकी मदद करो। मेरा वेट करना। नोल्टुत, ये लो। उसे तालाब तक मत जाने देना। लिंगलॉन्ग, लिंगलॉन्ग, लिंगलॉन्ग। लिंगलॉन्ग, लिंगलॉन्ग, होश में आओ। लिंगलॉन्ग, लिंगलॉन्ग, आंखें खोलो। लिंगलॉन्ग, 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 आंखें खोलो। लिंगलॉन्ग, लिंगलॉन्ग, आंखें खोलो, उठो।
क्या तुम ठीक हो? लिंगलॉन्ग, जब मैं छोटी थी मैं हमेशा शादी करना चाहती थी एक लंबे और हैंडसम इंसान से। फिर तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे मिला एक मोटा लड़का जो मुझे हंसाता है और मेरे लिए परफेक्ट भी है। भले ही वो सबसे हैंडसम लड़का नहीं है लेकिन मुझे वो हमेशा खुश रखता है। दुख इस बात का है कि मैं ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फैटी, अगर कभी मेरा दूसरा जन्म हो मुझे उम्मीद है तुम वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, है ना? लिंगलॉन्ग मिस्टर चैन, कैसे हो तुम? वो कैसे हैं? चलो मैं तुम्हें सातवीं लाइन का मतलब बताता हूं, जो झुकेगा वो बचेगा, हार मान लो और बच जाओ। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? क्या वो वापस आना चाहते हैं? पानी हलचल कर रहा है, ये कॉफिन उसे वापस गुफा की शुरुआत तक ले जाएगा। शायद वो अकेली नहीं होगी। मैं सातवीं लाइन को अच्छी तरह समझ चुका हूं, जो झुकेगा वो बच जाएगा, हार मान लो और जी जाओ। इसका मतलब हमें वापस चले जाना चाहिए? हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक और कदम
फिर हम पाताल लोक में गिर जाएंगे। हम इंसान देवताओं को नहीं हरा सकते, हार मान लो। वो कॉफिन्स ही आखिरी मौका है जो देवताओं ने हमें दिया है। अगर हम लौट गए तो क्या श्राप से मुक्त हो जाएंगे? हम सभी के घर वाले हैं, परिवार है, मां बाप भाई बहने हैं। क्यों ना हम दोबारा जाकर अपने उन लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक लें और अच्छा खाना खाएं। ये सच है कि हमारी जिंदगियां छोटी हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई है जो मौत से बच पाया है? कम से कम अपने बचे हुए सालों का आनंद ले लें। लिंगलोंग को ही देख लो, अगर वो पहले ही लौट जाती तो कम से कम उसकी शादी तो हो पाती। मैं ही आप सभी को यहां लेकर आई थी। सॉरी, चलो एक वोट करते हैं। जो हार मानना चाहता है वो अभी जा सकता है। मैं हार मानती हूं। पक्षी समंदर के ऊपर नहीं उड़ सकते, इसलिए नहीं कि उनमें हिम्मत नहीं है, इसलिए कि वो दूसरी ओर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सुनो, मैं लिंगलोंग को घर ले जाना चाहता हूं। मुझे भी लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। यहां बिना कब्र के मौत से तो अच्छा यही होगा। घर पहुंच के कम से कम हमारा अंतिम संस्कार तो होगा। पता नहीं क्यों मैं हमेशा चलते रहना चाहता हूं। बस इतना जानता हूं कि अगर मैंने आज हार मान ली तो मैं फिर किसी और दिन वापस आऊंगा। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब लोग इस श्राप को झेल रहे हैं। ये बिल्कुल एक वायरस जैसा है या एक कयामत जैसा। तो हम इसके खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते? मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूं जिसने श्राप बनाया। मुझे उससे बात करनी है। ये श्राप हटाने को कहना है बस, और कुछ नहीं। आप सही हैं, हमारे मां बाप ने हमें बड़ा किया ताकि हम अपनी जिंदगी आजादी से जी सकें और हम में अपनी खुद की जिंदगी बचाने का साहस हो। समझ गया, अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मैं किसी भी सेकंड मर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही मरना चाहता हूं। मैं उसका सामना करना चाहता हूं जिसने हमें श्राप दिया, और उसे दिखाना चाहता हूं कि इस दुनिया में अब भी कोई है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है। हम सभी सफर की शुरुआत से ही ऐसे रहे जैसे हमारे बीच खून का रिश्ता है। मैं बिना किसी अफसोस मर सकता हूं, ये जानकर कि मेरे पास आप जैसे दोस्त हैं।
हमें लौटकर उस अंधे चैन को बताना है कि हिडन ड्रैगन माउंटेन में कुछ खास नहीं है। इस माउंटेन की ऐसी की तैसी। भाइये, तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैंने अपना मन बदल दिया है, मैं अपने प्यार के साथ पहाड़ी पर जाऊंगी। रुको मिस्टर भाई, तुमने जो कहा उस पर मुझे यकीन नहीं। लेकिन जब से मैं बच्चा था तब से मैंने तुम पर भरोसा किया है। प्रोफेसर, प्रोफेसर आपने जो कहा उसके अपने मायने हैं, लेकिन हम जैसे अनकल्चर्ड लोगों के लिए हमें हमेशा उस पर यकीन नहीं करना चाहिए जिसके मायने होते हैं। हमें अपने भाइयों पर यकीन करना है। अपना ख्याल रखना। मैंने सबके लिए हमेशा यही चाहा कि सब लंबी उम्र जिएं, लेकिन इसके बजाय मैं खुद को आप सबसे अलग कर रहा हूं। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतजार करूंगा। हम दोस्त हैं, मैं तुम सबको इस तरह खड़े खड़े मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा, तुम्हारे शरीरों को घर पहुंचाने के लिए। बून लेडर जो सुनहरे महल तक जाती है, हवा ब्लैक नाइन हेवेंस के अजर अमर मीनार को हिलाती है। आसमानी महल का अचरज किसी की भी कल्पना से ज्यादा होता है।
लेकिन असल में नरक का द्वार है ये। तीन सदियों वाले पुल को पार करोगे जो श्यानवांग की तीन सदियों के कष्ट को दर्शाता है, उसके बाद अमरता का द्वार खुलेगा। जिस पल तुम मूचेन ओर्ब को छुओगे, उसी पल वापस आने के रास्ते बंद। छूते ही कयामत आएगी। इंसान पहाड़ों को बस देखते हैं, लेकिन पहाड़ भी हमारी ही तरह हैं। वो भी जीवित हैं। इंसानी जिंदगी 80 साल, लेकिन पहाड़ लाखों साल जीते हैं। एक रात की नींद में उन्हें 2000 साल लगते हैं और 800 साल करवटें बदलने में। तो हमारे जैसे नॉर्मल लोग
इस समय के अंतराल को कैसे देख सकते हैं? भागो! उसकी आंखों में मत देखो। इन आंखों को कभी मत देखना। इन आंखों को कभी मत देखना। अब उनके पास बस एक रास्ता बचा है। जो झुकेगा वो बचेगा, जो झुकेगा वो बचेगा, जो झुकेगा वो बचेगा, जो झुकेगा वो बचेगा, जो झुकेगा वो बचेगा। मैं नहीं झुकूंगा। हम सिर्फ एक इंसान हैं और हमारे मरने तक हम सिर्फ अपने मां बाप के सामने झुकते हैं। तू कितना भद्दा है बे। और तुम्हारी सांसें बदबूदार हैं। Ready?
आग वाली बॉटल कहाँ है? वो वहां है। अगर कभी इनका किंग जल गया तो बाकी सब फायरफ्लाइज भी इसके पास आकर जल जाएंगे। ये कुत्तों से भी ज्यादा वफादार होते हैं। 1,00,000 चिट्टियां। ये कर रहा हूं। चलो बैठी, यहां से चलो, चलो भाइये, चलाओ, भागो, चलाओ।
प्रोफेसर लिंगलोंग, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, कल धमाल होने वाला है।小火虫啊，闪着自己。